आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ क्रिएटिव राइटिंग क्विज वन के आंसर्स। क्विज के आंसर्स बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी क्विज परफॉर्म कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तफाक नहीं करते तो गिवन ऑप्शंस में से दिए गए अपनी मर्जी के किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करते हैं और फिर मैं एक एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। सबसे पहले बता दूं कि मैं 26 जुलाई 2022 को 6:12 पे इसको परफॉर्म आउट कर रही हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है शी नेवर डैश व्हेन समवन लीव्स हर अ मैसेज। शी नेवर हैज कॉल बैक, शेल कॉल बैक, विल कॉल बैक और कॉल बैक व्हेन समवन लीव्स हर अ मैसेज। तो शी नेवर कॉल बैक व्हेन समवन लीव्स हर अ मैसेज इसका करेक्ट आंसर है। हर क्वेश्चन के बाद आपने सेव एंड मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ग्रामर कैन बी इम्प्रूव थ्रू वीडियो बुक्स एंड डैश एक्सटेंसिव रीडिंग प्लानिंग क्रिएटिविटी आइडियाज। तो ग्रामर को आप जो है वो वीडियोस के थ्रू, बुक रीडिंग के थ्रू, इसके साथ साथ आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग के थ्रू जो है वो इंक्रीज आउट कर सकते हो। जितना अच्छा आपका रीड आउट होगा उतना अच्छा आपका ग्रामर का वर्क कंपाइल होगा। यू कैन Make use of synonym in your writing by improving your vocabulary, punctuation, communication skills or research. So vocabulary is the correct answer है। आगे के क्वेश्चन के आंसर बताने से आप पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इनकेस अगर मेरा और आपका क्वेश्चन एग्जैक्टली डिफरेंट होता है तो आप उससे फेसबुक ग्रुप के ऊपर हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ बताना चाहती हूँ कि सिर्फ स्क्रीन पर दिखाए गए फेसबुक ग्रुप के अलावा मेरा कोई और फेसबुक या व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं है। अगर आप मेरे नाम पर बनाए गए किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है तो अपने आप को वहां से रिमूव कीजिए एंड उस ग्रुप को रिपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं किसी भी तरीके का कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ओन नहीं करती हूँ। इस फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और वीडियो के पहले कमेंट से मिल जाएगा, तो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरा ये ग्रुप जरूर ज्वाइन किया हो। बैक टू द क्वेश्चन आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड लार्जेस्ट स्टेज इन फेज ऑफ राइटिंग इज राइटिंग, प्लानिंग, एडिटिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसका करेक्ट आंसर रहता है एडिटिंग, क्योंकि वो पूछ रहा है कि लास्ट स्टेज क्या होती है किसी भी राइटिंग की। हम सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, देन हम प्लानिंग करते हैं, देन हम राइटिंग करते हैं, आखिर में हम अपने अकॉर्डिंगली उस चीज को एडिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट मीन एग्जैक्टली और नियर द सेम एज अनदर वर्ड ऑफ फ्रेज इन द लैंग्वेज इज कॉल्ड सिनोनियम, एंटोनियम, प्रीपोजिशन और प्रोवर्ब। चार ऑप्शन है, तो सही आंसर रहेगा सिनोनियम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है व्हाट इज एन एडजेक्टिव। अ वर्ड यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनी ऑफ क्लास ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग, ये नाउन कहलाता है। अ वर्ड नेमिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ नाउन, ये प्रोनाउन कहलाता है। अ वर्ड गर्मिंग एंड यूजली प्रीसीडिंग अ नाउन, अ वर्ड और फ्रेज दैट मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज नोन एज एडवर्ब और एडजेक्टिव। आपने करेक्ट आंसर बताना है मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अ वर्ड गर्मिंग एंड यूजली प्रीसीडिंग अ नाउन। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दे आस्क हिम एंड आई टू ज्वाइन द स्टाफ, दे आस्क ही एंड मी टू ज्वाइन द स्टाफ, दे आस्क हिम एंड मी टू ज्वाइन द स्टाफ, दे आस्क ही एंड आई टू ज्वाइन द स्टाफ, दे आस्क हिम एंड मी टू ज्वाइन द स्टाफ। ओके, सो समवन इज टॉकिंग, सो वी कैन गो अराउंड विद दिस ऑप्शन। अगेन आपकी चॉइस है, अगर आपको कोई और ऑप्शन ठीक लगता है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज नॉट द टाइप ऑफ एन इंटरव्यू, फोन कॉल इंटरव्यू, रीड ऑनलाइन कॉमेंट्स ऑफ पीपल अबाउट द टॉपिक, डिस्कस विद एन एक्सपर्ट, सिक्वेंशियल इंटरव्यू। सो रीडिंग ऑनलाइन कॉमेंट ऑफ पीपल अबाउट द टॉपिक इसका करेक्ट आंसर है। यूजली लोग इस तरीके से भी इंटरव्यू ले लेते हैं बट गिवन ऑप्शन में हम उसके साथ जाएंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है द मोर क्वालिटी वीडियोस यू रीड द बेटर यू विल एबल टू राइट, थिंक, वर्क और एडिट। तो एग्जैक्टली द मोर क्वालिटी स्टफ जो आप बुक में रीड आउट करते हो द मोर द एबिलिटी यू हैव टू राइट फॉर दैट। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डैश आर सेंटर टू द स्टोरीज, ओके, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। चार ऑप्शन है, आपने यहाँ पर जल्दी से बताना है क्या करेक्ट आंसर है।
मेरे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर रहना चाहिए प्रोनाउन, बट अगेन आप इसको अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हो। ये था हमारा आज का काफी अच्छा सा क्रिएटिव राइटिंग का क्वेज। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेज आपको पसंद आया होगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। ये कम्प्लीटली फ्री है और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। डिजिटल में अगर आपका कोई और कोर्स है तो उससे रिलेटेड टेक्सटाइल डिजाइन क्वेज के सोल्यूशन मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।